संबलपुर आसाम संस्कृति मंत्री नवकुमार डोरेंग सह चारिजणिया टीम संस्कृति मंत्री अध्यक्षतार जाइथिबा ए टीम रे आसाम मुख्यमंत्री मीडिया परामर्शदाता मध्ये अछंती वर्तमान से बेजबरवांक घर प्रदर्शन करुछंती अपडेट पई जेबा हम प्रतिनिधि संजय जेनाक पाखकु। संजय, वर्तमान जो आसाम रा संस्कृति मंत्री सहित जो चारिजणिया टीम रहिछंती से वर्तमान पहुंचि सारिछंती आपनक पाखर मध्ये से अछंती, कोन देखिले वर्तमान एवं कोन कोन कार्यक्रम रहिछ तांक प्रतिक्रिया कोन रहिछ जानबा पई चाहिबो। देखो, किस समय पूर्व पहुँचे आसामर संस्कृति मंत्री और तक सहित पूरा चारजिया टीम पहुंचती सीधासलख दृश्य बेजबरुआ प्रथम घर टू से बर्तमान परिदर्शन करती आसाम मुख्यमंत्री मीडिया परामर्शदाता रही सहित स्थानीय लोक रही बेजबरुआ स्मृति कमिटी रही सभापति दीपक पंडा रही स्थानीय लोक मैंने पहुंचती से मंत्री सहित मिसी से परिदर्शन करापर से रास्तार अपरपार्श रही साहित्यिक बेजबरुआ आउ गोटे घर को से परिदर्शन करेंगे। मुझे प्रथम मंत्री प्रतिक्रिया नेबी जे कौन तक अनुभव है घर देखला परे एवं परवर्ती समय प्रशासन सहित कौन से आलोचना करेंगे। देव कुमार जी, स्वागत है ओटीवी को। आप पहले ये जो परिदर्शन किए देखे, क्या क्या देखे? ये पहला घर है, ये उसका रास्ता का बगल में और एक घर है, ये जो देख रहे हैं बेजबरुआ जी का ये जो घर देख रहे हैं, आपको कैसा अनुभव रहा देखने के बाद? ये हम लोग अभिभूत हुआ है और हम लोग सौभाग्यशाली है जो कि ये घर में आके हम लोग हमारा ऑनरेबल सीएम का प्रेस रिलीज था और हम लोग यहाँ आके आज यहाँ उपस्थित होने के ये घर में आके ये देखभाल करने के लिए अभी हम लोग सौभाग्यशाली है और उम्मीद रखता हूँ जो कि ये इसका जो विषय अभी उठ रहा है उसको जिला प्रशासन और यहाँ का मुख्यमंत्री जी से कल मिलने के बाद में हम लोग उसी एक रास्ता निकाल पाएंगे। पहले से देखो, जब ये आप एंट्री किए तो आप और सीएम का जो मीडिया परामर्शदाता, ये पहले आप बिल्कुल जो नीचे झुक कर ये घर को प्रणाम किया। देखिए, ये जो हमारा बेजबरुआ साहब थे वो हमारा शंकरदेव साहब का जो हमारा शंकरदेव जी का विषय उनको हम लोग साहित्य का जगत में रखा जाता है और हम लोग यहाँ में आके वो 100 साल पहले का जो ये घर है वो यहाँ में आके हम लोग सौभाग्यशाली समझा, इसीलिए हम लोग इसको प्रणाम करके जाते उसका आत्मा सही तरफ अस्सी तरफ से रहें और आने वाले आशीर्वाद मिले और अस्सी तरफ से हम लोग ये जो उद्देश्य लेके यहाँ आया है उसको कामयाब होने के लिए हम लोग इसको। आपका बात से पता चलता है, साबित होता है जो हम देखने को मिला कि आप बिल्कुल झुक के, जैसे कि मंदिर में होते हैं, हम जब मंदिर जाते हैं बोले झुक के नमस्कार करते, उसी तरह आप और मीडिया जो सीएम का जो मीडिया एडवाइजर दोनों बिल्कुल झुक के आप ये कर रहे थे, तो इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल इमोशनल जुड़े हुए हैं लक्ष्मण बेजबरुआ जी से। निश्चित रूप से जी, ये मंदिर है, ये क्योंकि असम के सारे लोग उसका ये यहाँ उड़ीसा में यहाँ आके आप लोग का साथ और यहाँ का स्थानीय लोगों का जो सहयोगिता और इसमें जो हम लोग परिवेश देखा है उससे हम लोग खुद खूब अभिभूत हों और हम लोग इससे आज हम लोग खूब समझ रहा है जी कि उड़ीसा और असम की उस तरफ आगे में हमारे बेजबरुआ जी ने किस तरफ के इस साहित्य का माध्यम से एग्रीगेशन जुड़ा हुआ था, इस ये हम लोग महसूस। सर, आसाम का सीएम कब आ रहा है, ऐसा कुछ फाइनल हुआ डेट कब तक कब आएंगे संबलपुर? अभी फाइनल नहीं हुआ, ये सारे चीज़ हम लोग आज और काल में हम लोग सारा हम लोग यहाँ का परिस्थिति जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद में हम लोग आसाम जाके सीएम साहब से बात करेंगे और हमारा आसाम का सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी उड़ीसा का सीएम साहब से बात हो चुके हैं और यहाँ के वापस जाने का बात ये सारे साहब उसका आने का थाई करेंगे। अभी जिला प्रशासन का साथ, खासकर कलेक्टर का साथ बात होगा आपका, उसके बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का साथ बात होगा, किस सब्जेक्ट पर बात होगा? आप जो अभी कलेक्टर का साथ बात करेंगे, कौन सा दिशा में बात करेंगे, कौन सा ये जो इसका जो प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग बात करेंगे वही। धन्यवाद। आम सहित अच्छा मुख्यमंत्री का मीडिया परामर्शदाता आसाम मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया नेबी। आपने देखा कल से भी हम आपका प्रतिक्रिया ले रहे थे, ये जो घर का अवस्था जैसे देख रहे हैं ये बिल्कुल टूटा फूटा हुए, आपको पीड़ा हो रहा है देख के? नहीं, ये देख के तो दुख हुआ है, ये बस सही बात है, लेकिन ये 100 साल पहले ये बनाया गया था तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने बोला था इसको पहले हो जाना सही था। हाँ, सही था, हुआ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आने वाला दिन में नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। इसलिए हमारा ऑनरेबल सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी ने आप लोगों का ऑनरेबल सीएम नवीन पटनायक जी से बात किया, यहाँ में लगातार इसको देखभाल कर रहा है दीपक पंडा, आप लोगों के साथ प्रेस ने बहुत हेल्प किया तो इसको, ताकि अपकमिंग जनरेशन उड़ीसा का और असम का लोग सीखे
इसलिए इसको हम प्रिजर्वेशन करेंगे। ये बात करेंगे हम ऑनरेबल सीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और आसाम की तरफ से जो सहायता है वो हम देंगे और इसको कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। ओके, धन्यवाद। आप शुणुले ये प्रतिक्रिया बर्तमान ये प्रथम घर परिदर्शन सरी बर्तमान संस्कृति मंत्री और मुख्यमंत्री रही मीडिया परामर्शदा से बाहर बर्तमान द्वितीय घर को परिदर्शन करने जी बर्तमान रास्तार अपर पार्श्व जो अन्य घर रही जी परिदर्शन कलापर तापर से जिलापा सहित ए संपर्क में सविस्तृत आलोचना करेंगे। शुभलक्ष्मी, धन्यवाद।